आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। बड़वाह विधायक श्री सचिन बिरला ने बड़वाह एवं सनावद अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेटर मशीनों एवं मॉनिटर के लिए जारी की कुल 10 लाख की राशि। बड़वाह और सनावद हॉस्पिटल में रोगी कल्याण समिति के माध्यम से जुटाई जाएगी तत्काल सुविधाएं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में खाली बेड की ली जाएगी दैनिक जानकारी, जिससे मरीजों को नहीं पड़े भटकना। कोरोना मरीजों के आपात चिकित्सा के लिए बड़वाह विधायक सचिन बिरला ने तत्काल प्रभाव से विधायक निधि से 10 लाख रुपए दिए। इस राशि से बड़वाह और सनावद के सरकारी अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और मॉनिटर खरीदे जाएंगे, ताकि गंभीर कोरोना मरीजों की प्राण रक्षा की जा सके। बड़वाह के जनपद कार्यालय में बिरला ने शनिवार को कोरोना आपदा से निपटने के लिए प्रशासकीय अधिकारियों, चिकित्सकों और पत्रकारों के साथ एक समन्वय बैठक की। SDM अनुकूल जैन ने बड़वाह क्षेत्र में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रशासनिक प्रयासों की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। विधायक सचिन बिरला ने सरकारी अस्पताल परिसर का और यहां शीघ्रता से तैयार किए जा रहे 20 बिस्तर वाले कोविड ट्रीटमेंट सेंटर का मुआयना किया। यहां संचालित वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया। वैक्सीनेशन के लिए आए लोगों से चर्चा की। अधिकारियों से कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता की जानकारी ली। DMO ने उन्हें बताया, यहाँ मात्र 670 कोरोना वैक्सीन बची है, इसलिए पर्याप्त वैक्सीन की उपलब्धता कराई जाए। बिरला ने कहा, बड़वाह के अस्पतालों में ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन और अन्य महत्वपूर्ण दवाओं की उपलब्धता के लिए आज ही जिला कलेक्टर के साथ बैठक में चर्चा कर उपलब्धता बढ़ाने की मांग करेंगे और जिला अस्पताल में अटैच डॉक्टर्स और वार्ड बॉय संबंधित अस्पतालों में वापस लौटाए जाए। साथ ही बड़वाह के गुर्जर हॉस्पिटल को भी जल्द ही कोविड केयर सेंटर की अनुमति दिलाई जाएगी। बिरला ने अधिकारियों, पत्रकारों के साथ दादा दरबार अस्पताल जाकर कोरोना चिकित्सा सेवाओं का भी जायजा लिया। यहाँ भी कोरोना चिकित्सा में आ रही कमियों के बारे में अस्पताल प्रबंधन, भर्ती मरीजों के परिजनों से इलाज के बारे में जानकारी ली। दादा दरबार अस्पताल प्रबंधन ने ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की भारी किल्लत बताते हुए अस्पताल में प्रतिदिन 10 रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत है। 14 से 16 अप्रैल तक कोरोना मरीजों को 18 से 20 इंजेक्शन लगाए गए। अस्पताल प्रबंधन ने ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन तत्काल उपलब्ध कराने की बात कही। बिरला ने आश्वस्त किया कि कोविड केयर सेंटर्स में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिला कलेक्टर से आज ही मिलने जा रहा हूं। बिरला ने दादा दरबार अस्पताल प्रबंधन से CT स्कैन मशीन 24 घंटे चालू रखने के निर्देश दिए, ताकि संक्रमित लोगों के संक्रमण की तुरंत जांच होकर समुचित इलाज हो। जनपद पंचायत में हुई बैठक में समाज सेवी नीलेश रोकड़िया ने शासन द्वारा मान्यता प्राप्त कोविड केयर सेंटर्स में रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की कमी दूर करने के सुझाव दिए। किसानों की फसलों का निजी उपार्जन आरंभ किया जाए। समाज सेवी रविंदर सिंह भाटिया ने कहा कि कोरोना पर नियंत्रण के लिए जरूरी है कोरोना की जांच रिपोर्ट जल्द से जल्द मिलने का मुद्दा उठाया, ताकि रोगों को समय पर चिकित्सा मिल सके। वर्तमान में कोरोना की जांच रिपोर्ट के लिए मरीज को 6 दिन का इंतजार करना पड़ रहा है। जांच रिपोर्ट में विलंब के कारण मरीज की स्थिति गंभीर हो जाती है और संक्रमण भी फैलता है। युवा समाज सेवी प्रवीण शर्मा ने अस्पतालों में बिस्तरों की उपलब्धता की जानकारी देने के साथ जिम्मेदारी प्रशासन उठाए और 24 घंटे की हेल्पलाइन सेवा तुरंत चालू करने की मांग की, ताकि रोगियों को इधर उधर भटकना ना पड़े। बैठक में उपस्थित नागरिकों ने बिरला से मांग की, फल, सब्जी, किराना, खाद बीज की दुकानों को कुछ निश्चित समय के लिए खोलने की अनुमति दी जाए। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनिल रॉय, सोहन शाह, एडवोकेट शहजाद खान, जितेंद्र पाटीदार, अनिल कानून को, राजू गोहर, विक्रांत कोठारी आदि ने भी विधायक को मौजूद हालात से अवगत कराया। पत्रकारों और वकीलों को फ्रंटलाइन वर्कर्स की श्रेणी में रखते हुए सभी के वैक्सीनेशन करवाने की मांग की। सभी मुद्दों पर अपनी बात कहते हुए विधायक बिरला ने कहा, सभी मुद्दों पर जिला कलेक्टर से चर्चा की बात कही। उन्होंने आम नागरिकों के साथ पुलिस के सहयोगात्मक रवैये के लिए प्रशंसा की। बैठक में तहसीलदार रंजना पाटीदार, DMO डॉक्टर राजेंद्र मेमरोट, SDOP मानसिंह ठाकुर, नायब तहसीलदार सुखदेव डाबर, कृष्णा पटेल, CMO प्रेम वासुरे, CMO बलराम भूरे, कृषि अधिकारी BS सेंगर सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे। बड़वाह से चीफ एडिटर नवरत्न जैन की रिपोर्ट। आज प्रशासन के अधिकारियों के साथ मीटिंग की, जिसमें हम लोगों ने बड़वा, सनावद, बेड़ियाँ, काटकुट सभी अस्पतालों में किस तरह का मरीजों का इलाज हो रहा है, ऑक्सीजन की उपलब्धता है या नहीं, रेमडेसिविर इंजेक्शन जिन मरीजों को लगना चाहिए उनको लग रहे या नहीं, इस तरह की सब बातों को लेकर आज प्रशासन से मीटिंग करी। मीटिंग बहुत ही अच्छे माहौल में और मैं समझता हूँ पॉजिटिव रही, कि आज हम सब लोग मिलकर कोरोना लड़ाई से लड़ रहे हैं, जिसमें हमारे यहाँ पर 50 बेड का कोविड अस्पताल, कोविड सेंटर, कोविड ट्रीटमेंट सेंटर
सनावद में खुला है और 20 बेड की व्यवस्था बड़भा में है। बड़भा के लिए आज हम लोग कलेक्टर मैडम से मिलेंगे और जल्द ही यहाँ पर भी कोविड केयर ट्रीटमेंट सेंटर चालू होगा, ऐसी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी के लिए क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन की कमी के लिए तहसीलदार मैडम, पाटीदार मैडम बड़भा और सनावत के लिए कृष्णा पटेल जी, दो नायब तहसीलदार कृष्णा पटेल जी हैं और तहसीलदार हैं, इनको प्रभारी बनाया है। और अभी कल रात तक ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था थी और अब जिन 5 अस्पतालों को चिन्हित किया गया है, जिनको अधिकृत किया गया है, वो है गुर्जर श्री अस्पताल सनावत, मोरी हॉस्पिटल सनावत, साईं अस्पताल सनावत, ऋत्विक हॉस्पिटल सनावत, दादा दरबार बड़भा और अग्रवाल हॉस्पिटल सनावत। इन सभी जगहों पर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में हो, रेमडेसिविर के इंजेक्शन जो लगने होते हैं वो पर्याप्त मात्रा में हो और मरीजों को उचित इलाज मिले, इसके लिए भी हम लोग आज निरीक्षण भी कर रहे हैं। और प्रतिदिन तहसीलदार मैडम, पाटीदार जी और कृष्णा पटेल जी दोनों ही मॉनिटरिंग करेंगे और जहाँ जो व्यवस्था है नहीं हो पा रही होगी उनको तत्काल वो लगाने की व्यवस्था करें। आज 10 लाख रुपए मैंने अपनी विधायक निधि से दिए हैं, रोगी कल्याण समिति बढ़वा को 5 लाख और 5 लाख रुपए सनावद रोगी कल्याण समिति को दिए हैं, जिसमें हम लोगों ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 5, मॉनिटर 5 और बढ़वा को और 5 सनावत को, इसी तरह से 5-5 लाख देकर अच्छे से मरीजों का इलाज हो उसके लिए व्यवस्था की है। आपदा प्रबंधन समिति की मीटिंग है, उसमें मैं अभी 4 बजे जा रहा हूँ, कलेक्टर मैडम से बात करूँगा और पत्रकारों के लिए वैक्सीनेशन की व्यवस्था हम लोग कराएंगे।